सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट टू डिस्कस करने जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में, कॉलोनियल इकोनॉमी के द्वारा की गई एक्सप्लॉयटेशन, कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर, कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको पिछले दो जो सेक्टर हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो आपको समझ लग गए होंगे, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अदर सेक्टर जैसे फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो अब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले अगर आपको पिछली वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर दी जाएंगी। तो बेटा, आपको जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया उसका रिवाइज करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आपको अगली वीडियो भी रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड का क्या हालात थे, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, वो हम अब इसमें डिस्कस करना जाएंगे। वैसे जो मैंने आपको पिछली कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में एक इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट कराया था, याद होगा आपको, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा, उसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाला हमने पॉइंट पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड। बट अगर जो आपको वो पॉइंट याद है तो आपको फॉरेन ट्रेड वाला पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, जो इंडिया था वो रॉ मटेरियल क्या था एक्सपोर्ट कर रहा था फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि जो इंडिया में एक्सपोर्ट पे रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे फ्री ड्यूटी लगा दी थी, क्योंकि इंडिया अपना माल हैंडीक्राफ्ट उनका बुरी तरह से शट डाउन कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया ऐसे तरीके से कि बाहर से वो कुछ मंगा ही ना सके, बड़ी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया गया। तो फिर इंडिया के पास एक लास्ट ऑप्शन पैसा कमाने का यही था कि वो अपना रॉ मटेरियल बाहर की कंट्रीज को बेचते थे ताकि कुछ पैसा मिल जाए, ताकि वो लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो क्या था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, और फिनिश गुड्स बाहर की कंट्री इंडिया को इम्पोर्ट करती थी। तो उसका मेन रीजन था, इंडिया को फॉरेन गुड्स जो थे इम्पोर्ट करने का मेन रीजन ये था कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट वाला है वो एकदम खत्म हो जाए, हैंडीक्राफ्ट एकदम खत्म हो जाए, और इंडिया ना अगर उनको इंडिपेंडेंस मिल भी जाती है, अगर आज़ादी मिल भी जाती है, वो फॉरेन गुड्स पे इतने डिपेंड हो जाए कि उनको अपने देश का माल पसंद ही ना आए, उनको इंडियन गुड्स से बिल्कुल पसंद ना आए। तो इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम एप्लीकेबल कर दिया कि वो बाहर अपना रॉ मटेरियल भेजें और इंडिया में उनको फिनिश गुड मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियन फॉरेन ट्रेड। बता, मोनोपोली का मीनिंग होता है एक सिंगल कंट्रोल होना पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियन फॉरेन ट्रेड मतलब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था पूरे फॉरेन ट्रेड पर, उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल था, उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई, अपने रूल्स बनाए, ताकि हम जो है अपना जो इकोनॉमी है उसको क्या करें, अच्छे से इंडिया में एप्लीकेबल कर दें, कि इंडिया जो है फॉरेन पे ही डिपेंड हो जाए। इसलिए उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया इंडियन फॉरेन ट्रेड को और अपने पॉलिसीज और रूल्स बना लिए। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। बेटा सरप्लस होता है प्रॉफिट। अगर हम आपके तो बिल्कुल ये नया टॉपिक है, अगर तो प्लस टू की बात करें तो उनको तो पता होगा सरप्लस क्या है, अगर प्लस वन की बात करें तो बेटा सरप्लस ट्रेड क्या होता है, सरप्लस होता है व्हेन एक्सपोर्ट आर मोर देन इम्पोर्ट्स, ठीक है। जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, मतलब बाहर माल जो बेचा जा रहा है वो ज्यादा हो, और इम्पोर्ट है जो कम हो, मतलब बाहर से जो माल मंगवाया जा रहा है वो कम हो, तो देन वो कौन सी पोजीशन होती है, सरप्लस। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स इट इज कॉल्ड सरप्लस। सो जो हमारी फॉरेन ट्रेड थी वो सरप्लस में थी, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना ज्यादा बाहर भेजा जा रहा था, बट जो वो बन के माल आता था वो इतना नहीं था, इम्पोर्ट कम था पर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। जो एक्सपोर्ट ज्यादा था उसकी वजह से जो बेनिफिट मिल रहा था ना, सरप्लस बेनिफिट जो मिल रहा था, वो सिर्फ तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था बेटा, ओनली फॉर ब्रिटेन। इंडियन पीपल के लिए वो कुछ भी नहीं था, इंडियन सोसाइटी को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो जो बेनिफिट था सिर्फ तो सिर्फ वो ब्रिटिशर गवर्नमेंट के लिए था। इसी में हम ये तीन पॉइंट्स जो मेजर कंडीशन बताती हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो फॉरेन ट्रेड के हालात कैसे थे, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद हों। और बेटा अगर तो आप प्लस वन के स्टूडेंट हो, आपको सरप्लस का मीनिंग, मोनोपोली का मीनिंग ध्यान से याद रखना है। अगर आपको इसकी डिटेल डेफिनेशन चाहिए मुझे मेंशन कर दो, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इनकी डिटेल जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर करवा दूंगा, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द कंडीशन ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बट डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री में बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का, खाना पीना पहरावा कैसा है, तो वो जो सारी चीजें जो बताता है वो होती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताती है हमारा रहन सहन कैसा है, हम अच्छा खा रहे हैं कि बुरा खा रहे हैं, हमारा पहरावा कैसा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हाई है कि लो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये जो सारा सब कुछ है वो कौन जाता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो देखते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडियन की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। सो फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ओके बेटा, जब एक चीज याद रखो कि क्या था इंडिया में, हाई बर्थ रेट, जन्म दर क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और मृत्यु दर भी क्या थी, ज्यादा थी। एक बात याद रखो, जब डेथ रेट हो जाती है तो पूरी फैमिली क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, क्योंकि उस टाइम में 1947 से पहले के समय में घर में सिर्फ एक ही बंदा होता था कमाने वाला, अगर उसकी डेथ हो जाए तो घर की अर्थव्यवस्था तो हिल गई, घर की इकोनॉमिक कंडीशन ही हिल गई, कमाने वाला ही मर जाता था। तो डेथ रेट इतना ज्यादा था और बर्थ रेट भी ऊपर से इतना ज्यादा था कि कमाने वाला तो मर गया पर बर्थ हो ही जा रहा, बच्चों का जन्म हो गया, अब उनको पालेगा कौन। सो इसी वजह से पॉवर्टी बढ़ती थी बेटा, गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई हमारी इंडियन सोसाइटी में, बता नहीं सकता मैं। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट अगर दोनों इक्वल हो, बर्थ रेट भी उतना ही हो रहा है और डेथ रेट भी उतना, तो हमारे देश में गरीबी आ जाएगी, क्योंकि कमाने वाले तो मर ही जा रहे हैं, उनकी तो डेथ हो रही है, तो अब फिर कौन चलाएगा उनके घर को, इसलिए पॉवर्टी की पोजीशन आ जाती है, गरीबी। एक सेंसस के मुताबिक बेटा 8% पर 1000, हर 1000 के पीछे 8% जो लोग थे उनका बर्थ हो रहा था और उनकी डेथ हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई। बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता कौन सा होता है, जब बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल से पहले, जब कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते वो एक साल से पहले पहले अगर मर जाता उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। जो इंडियन भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था बेटा वो बहुत ज्यादा था, 1000 के पीछे 218 बच्चे ऐसे थे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी के शिकार हो जाते थे, वो एक साल होने से पहले पहले मर जाते थे। तो देखो जहां डेथ रेट बच्चों में भी इतना ज्यादा हो तो वो देश की कैसी सिचुएशन होगी। ये तो हम बात कर रहे हैं ना एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बट नाउ अब करंटली देखा जाए हर 1000 के पीछे 34 बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का शिकार होते हैं। और देखो कंपैरिजन देखो 213 34, कितना डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि हम कितनी उम्र जी रहे हैं, उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेंसी थी लाइफ की वो थी बहुत कम थी, लो थी, लोगों की उम्र बहुत कम थी। और एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लोग 32 साल एवरेज बता रहा हूँ, 32 ईयर्स उनकी उम्र होती थी जीने की। उसका मेन कारण तो एक तो ये था कि एक तो गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती थी, तो गवर्नमेंट इतना एक्सप्लॉइट कर देती थी कि लोगों को टेंशन हो जाती थी और कुछ लोग तो टेंशन से ही मर जाते थे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि जब वो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने जब जमींदार को अलो कर दिया कि आप अपने हिसाब से टीलर से रेट ले सकते हैं, ठीक है, जब टीलर अपने जब वो ओनर थे जमींदार वो अपने हिसाब से जब टीलर से पेमेंट लेते थे ना बेटा, तो वो इतने कर्जे में डूब जाते थे वो सुसाइड कर लेते थे, वो मर जाते थे, दो पॉइंट। और तीसरी बात कुछ जो लोग अपनी आई मरते थे, तो इतना उस टाइम बुरा व्यवहार किया जाता था लोगों पर, जबकि उनकी उम्र क्या थी उस टाइम, 32 ईयर एवरेज बता रहा हूँ एवरेज, तो अब की एवरेज उम्र 60 है, अब की एवरेज उम्र एवरेज एज कितनी है 60। सो उस टाइम जो हमारी जिंदगी जीने की उम्र थी वो बहुत लो थी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। नेक्स्ट इज लो लिटरेसी रेट। पता लिटरेसी रेट कौन सा होता है, पढ़ने का रेट, कि कितने लोग उस टाइम पढ़ते थे और कितने लोग नहीं पढ़ते थे, ठीक है। लो लिटरेसी रेट उस टाइम जो लोग थे ना वो बहुत कम पढ़ते थे, वैसे तो पढ़ते ही नहीं थे, नो स्टडी उस टाइम पे, तो इतना अत्याचार था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, इंडियन को वो पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि अगर इंडियन पढ़ जाते तो वो जिंदगी में कुछ बन जाते और बनते तो इनके खिलाफ ही आवाज हो जाते, बट बहुत ही कम लोग थे जो पढ़ पाते थे। वो अगर देखा जाए तो टोटल 16% लोग थे एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो पढ़ पाते थे, 100 में से 16% बेटा जस्ट। एंड अगर वुमेन्स की बात की जाए उस टाइम, तो वुमेन्स उनमें से सिर्फ केवल 7% ही थी, 16 में से नहीं, 100 में से 7% ही वुमेन्स थी जो पढ़ पाती थी। तो आप खुद सोचो कि उस टाइम जो हमारा लिटरेसी रेट था कितना कम था,
सो ये सारे कुछ पॉइंट थे जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। जो इसमें रेट है वो रेट याद करना बहुत जरूरी है। हाँ आप सोच रहे होगे कि पूरी बुक में इतने रेट है वो कैसे याद करेंगे, बेटा पूरी बुक क्या हम करें ना करें, बट ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम उसके रेट मेंशन कर देना, उसके पॉइंट मेंशन कर देना, बेटा नंबर हंस के मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर आप एजेस परसेंटेज जो पॉइंट्स में बताए गए हैं मैंने वीडियो में बताया, अगर आप उसको मेंशन करोगे ना आपको नंबर हंस के मिलेंगे। ओके सो ध्यान देना मेरी इस बात पर। बेटा आपको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर समझ लग गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बेटा ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशन का जनरल इंग्लिश में मतलब होता है काम। तो वो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी हमें बताता है कि उस टाइम जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर थे उसमें ऑक्यूपेशनल कितने लोग थे उस सेक्टर में इन्वॉल्व थे काम करने के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितने लोग थे जो काम करते थे उस टाइम पे। अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे इंडियन पॉपुलेशन के 72.7% जो लोग थे वो काम करते थे। बेटा ये ध्यान से देखना, 72.7% लोग थे उस टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, क्योंकि लोगों के पास कोई पढ़े लिखे तो होते नहीं थे कि नौकरी मिल जाए, तो उनके पास जो आखिरी एक काम था अपनी जमीन पे हल चलाना, अपनी जमीन पे खेती करना। सो इंडियन पॉपुलेशन की ज्यादा 100 में से 72.7% जो लोग थे सिर्फ वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, खेती बाड़ी ही करते थे। ओके नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओनली 10.1% ऑफ पॉपुलेशन वर एंगेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। उनमें से केवल 100 में से 10.1% लोग थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा काम करते थे। तो आप खुद सोचो उस टाइम हमारी इंडियन की इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड होगी, क्योंकि 100 में से सिर्फ 10% लोग थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते। उसका भी मेन रीजन यही था कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, क्योंकि इंडियन में हैंडीक्राफ्ट बंद कर दिया गया था और जो इंडियन थे वो फॉरेन गुड्स पे डिपेंड हो चुके थे, तो इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो धज्जियां उड़ा दी गई, बंद हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो थोड़ा बहुत था अभी उस टाइम 10% लोग ही थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। टेरिटरी सेक्टर बेटा, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, उस टाइम हमारी इंडियन पॉपुलेशन में से 17.2% लोग जो थे वो टेरिटरी सेक्टर में काम करते थे। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर वो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, ठीक है। सर्विस सेक्टर में सिर्फ हमारे इंडियन पॉपुलेशन के 17.2% लोग थे जो काम करते थे। अब आपको बस ये याद रखना है, तीन सेक्टर की बात किया मैंने यहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। अगर आप आपको पॉइंट्स में नहीं याद हो तो आप राउंड ऑफ लिख दो। एग्रीकल्चर सेक्टर में 72%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% और टेरिटरी वाय सर्विस सेक्टर में 17.2% लोग जो थे वो काम करते थे। बेटा मैंने भी अभी पीछे भी बताया, इस चैप्टर में आपको रेट्स याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में ऐसे होते हैं जहां रेट या परसेंटेज लिखना जरूरी हो जाता है। बाकी चैप्टर्स में मैंने आपको नहीं बोला कि आप करो या ना करो, जो आएंगे आगे, बट इस चैप्टर में रेट याद करोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां हम रह रहे हैं वहां का जीने का लाइफस्टाइल कैसा है, कौन कौन सी सुविधाएं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास रोड्स हैं, रेलवेज हैं या एक्सेट्रा, ऐसी चीजें हैं हमारे पास कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, वो सबको कौन बताता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे इसमें से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एक बात अच्छी होगी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिल्ड कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन भी उन्होंने अपनी मर्जी के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए किया, और कम्युनिकेशन भी अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें हमारा सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। रेलवेज इसलिए बनाए गए ताकि उनको आसानी हो, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में माल पहुंचाना हो तो वो इजी हो जाए। जैसे अभी मालगाड़ियां चलती हैं, ये अंग्रेजों की ही देन है बेटा। इन्हीं मालगाड़ियों के थ्रू जो अंग्रेज थे ब्रिटिशर से वो सामान भेजते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल अमृतसर से दिल्ली। देखो चल के तो कोई सामान लेके इतना जाएगा ही नहीं, इसने रेलवे को इस्टेब्लिश किया ताकि हमारा जो सामान है वो जल्दी से पहुंच जाए, कुछ घंटों में पहुंच जाए। अगर तो टांगों टूंगों पर भी लेके जाए तो काफी महीने लग जाए, इसलिए रेलवे का कंस्ट्रक्शन की गई। पोर्ट्स बेटा, पोर्ट क्या होते हैं? जहां से हम अपने माल को शिप करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो उस टाइम एयरपोर्ट तो कम ही थे, मतलब थे ही नहीं, तो उस टाइम जब बात चली वो थे सी पोर्ट्स। कौन से?
सी पोर्ट्स की बात चल रही बेटा, ठीक है। सी पोर्ट्स बनाए गए ताकि समुद्र से एक देश से दूसरे देश की ओर सामान पहुंचाया जाए, ये भी हमें अंग्रेजों की ही देन है, ताकि हमारा सामान जल्दी से पहुंच सके। जैसे इंडिया का रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्रीज में पहुंचे ताकि फॉरेन कंट्रीज वहां सामान बनाए और फॉरेन कंट्री का फिनिश गुड्स वहां पे बन के इंडिया में वापस आए, ताकि इंडियन लोग जो हैं वो फॉरेन गुड्स यूज कर सकें। रोड्स, पोर्ट भी बन गए, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज भी होगा बेटा। रोड्स रोड्स भी बनाई गई, रोड्स भी उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए बनाई। रोड्स इसलिए बना दी गई ताकि जब हमने सामान एक्सपोर्ट करना है तो सड़कों के द्वारा ही हम पोर्ट तक पहुंचेंगे, क्योंकि पोर्ट तक पहुंचना फिर मुश्किल था। इसलिए उन्होंने रोड्स का निर्माण किया, रोड्स को स्टैब्लिश किया ताकि उन सड़कों से हम माल पोर्ट तक पहुंचाएं, फिर पोर्ट को स्टैब्लिश किया ताकि पोर्ट से हम सामान जो है फॉरन पहुंचा दें। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन, ओ सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा सुधार आया, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आ गई, रेलवेज का इंट्रोडक्शन हो गया, पोर्ट सी पोर्ट्स बनने शुरू हो गए, रोड्स बन गए, और क्या चाहिए। ये सारा कुछ हमें ब्रिटिशर्स का ही देन है। तो बिसाइड दिस एडवांटेजेस बेटा, देर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो में या मेरे इसके पार्ट वन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बट बस इसमें याद रखना रेट आपको बहुत जरूरी है याद करने, क्योंकि अगर आप रेट याद करते हैं ना बेटा अच्छे से, तो आपको स्कोरिंग करने में बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।